लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सी गाइड। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। How good it is to come together and study God's word together. ये सच में कितनी अच्छी बात है कि हम एक साथ में आकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। It is a great thing to look into God's word. परमेश्वर के वचन में देखना तो ये बहुत ही महान बात है। And it's a great thing to have fellowship with you all, our viewers. और आप हमारे दर्शक, इन सभी के साथ में संगति करना ये बहुत ही अद्भुत बात है। I trust that God has kept you well in this last week. मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले हफ्ते परमेश्वर ने आपको पूरी तंदुरुस्ती में रखा है। I trust that God has given you good health. परमेश्वर ने आपको पूरी तंदुरुस्ती दी है। That he has kept you walking with him. और आपको अपने साथ में उसने चलने दिया है। And that you have enjoyed having fellowship with him. और आप उसके साथ में संगति का आनंद उठाते आ रहे हैं। It is important for us to walk in obedience with our Lord. हमारे प्रभु के साथ में आज्ञाकारिता में चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I know that each one of my viewers are doing just that. और मैं जानती हूँ कि हम में से हर एक दर्शक ऐसा ही कर रहे हैं। Now in the last few weeks. और पिछले कुछ हफ्तों से we have been looking at हम देखते आ रहे हैं principles that help us to live a happy and in a godly life. ऐसे सिद्धांत जो कि हमें खुश और भक्तिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर रहे हैं. Now who would not want to be happy? और कौन खुश नहीं रहना चाहेगा? All of us want to be happy. हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं. And all of us would like to be happy if only we knew how. और अगर हम जानते कि कैसे खुश रहें तो हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं. Now in order to be happy in the Lord. अब प्रभु में खुश रहने के लिए. And we know that outside of the Lord, it is not possible to be really happy. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु के बाहर खुश रहना तो पूरी तरह से संभव नहीं है. There are some principles that we ought to know. तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो हमें जानने जरूरी हैं. In the very beginning. बिल्कुल शुरू से ही. We said that. In order to live a happy life, हमने कहा है कि खुश जीवन जीने के लिए we need to have a very close relationship with God. हमें परमेश्वर के साथ में बहुत ही नजदीकी संबंध रखना होगा. Almost like an intimate relationship with our Father. हमारे पिता के साथ में हमें बहुत ही नजदीकी का संबंध रखना होगा. And we saw how important that was in order for us to live a happy life in the Lord. और हमने ये भी देखा कि प्रभु में खुश जीवन जीने के लिए सच में कितना महत्वपूर्ण है. Now in the second instance, अब दूसरी घटना में we have looked at how important it is to live a life of obedience. और दूसरी बात हमने देखा कि आज्ञाकारिता का जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है. And we saw several such principles. और हमने ऐसे बहुत से सिद्धांत देखे हैं. And now we have come to this principle. और अब हम इस सिद्धांत में आए हैं. Which is about the 15th principle. जो कि 15वां सिद्धांत है. And we will have one for each month, so we will have 30 principles. और एक हर एक दिन के लिए इस तरह हम देखने वाले ताकि पूरे महीने के लिए 30 सिद्धांत हो. So today's principle और इसलिए आज का सिद्धांत है talks about जो कि हमें बताता है how being broken कि कैसे हम टूट जाएं. A broken how being broken is a requirement. टूट जाना या टूटे हुए होना ये तो एक मांग है. For being used by God कि परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाएं. People who are broken जो लोग टूटे हुए हैं in their lives अपने जीवन में during their Christian walk अपने मसीह जीवन में चलते समय turn out to be great witnesses for God. वो तो परमेश्वर के लिए बहुत महान गवाह होते हैं. They are able to relate with others who have also been broken in life. वो तो ऐसे लोगों के साथ में जुड़
सकते हैं जो अपने जीवन में टूटे हुए हैं. They are able to tell them, वो उन्हें बता सकते हैं. Hey brother, hey sister, कि सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहन. I have gone through the same thing that you are going through. आप जिन बातों में से होकर जा रहे हैं उन्हीं बातों में से मैं होकर जा चुका हूँ. And you are able to guide them in a godly way through their problem. और उनकी समस्याओं में आप भक्तिपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे. So it's God's pathway of brokenness. और ये तो टूटेपन का परमेश्वर का मार्ग है. I want to tell you, my dear brothers, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ. And my dear sisters, मेरी प्यारी बहनों, मैं बताना चाहती हूँ. God does not bring pain into your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में दर्द लेकर नहीं आता है. Most of the time, it is because of the choices that we make. कई बार ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हमने जो चुनाव किए उसके कारण ये होता है. The lack of proper judgment in our minds. हमारे मन में सही न्याय करना या सही मूल्यांकन करने की कमी के कारण. Some kind of carelessness that we have been doing. या फिर किसी तरह की लापरवाही हम करते आ रहे हैं उसके कारण. Now this is the reason why things go wrong in our life. और यही तो कारण है कि हमारे जीवन में सब कुछ क्यों गलत होते जाता है. And they cause us pain. और उसके कारण हमें दर्द होता है. But we always ask, लेकिन हमेशा हम ये पूछते हैं, Why did God do this to me? परमेश्वर ने ये मेरे साथ क्यों किया है? God did not do this to you. परमेश्वर ने ये आपके साथ नहीं किया है. It happened because of a natural consequence of what we did. हमने जो कुछ भी किया उसके स्वाभाविक परिणाम के कारण ही ये सब कुछ हुआ है. It is true that God can reach out his hand and stop that incident from happening. ये बात सच है कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर उस घटना को होने से रोक सकता था. But when it happens to a child of God, लेकिन जब ये परमेश्वर की संतान के साथ में होता है, it happens only because God has allowed it. ये केवल इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने इसे होने दिया है. So when God allows pain to come into your life, और इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन में दर्द को आने देता है, my dear viewers, तो मेरे प्यारे दर्शकों, don't get disheartened. तो आप उस समय हिम्मत न हारें. Don't break down. आप उस समय टूट न जाएं. Don't cry and cry. आप वहाँ पर रोते न बैठें. Go and submit to the Father. आप जाकर पिता को समर्पित हो जाएं. He knows what you're going through. वो जानता है कि आप किस बात में से होकर जा रहे हैं. Kneel down at the foot of the cross. आप प्रभु के क्रूस के तले आप अपने घुटने टेक दें. Empty your heart to Him. और अपना दिल उसके लिए खाली कर दें. And God will show you a way. और परमेश्वर आपको एक मार्ग दिखाएगा. And one day He will heal that brokenness. और एक दिन वो उस टूटेपन को चंगाई देगा. Now this is very important for us. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. It is very important for us, especially as women. स्त्रियों के लिए, स्त्री के रूप में हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Because in our country, women are not supposed to speak. क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. I know that this is changing now. मैं जानती हूँ कि ये अभी बदल रहा है. But up until our generation, लेकिन हमारी पीढ़ी तक, women have to suffer in silence. जो स्त्रियाँ हैं उन्हें केवल चुपचाप सब कुछ सहते जाना था. That is not a very healthy thing. और वो एक अच्छी बात नहीं है. Because it can make us do some things in a different way. जिसके कारण हम ऐसा है कि सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से करने लगते हैं. But if we surrender to the Lord, लेकिन अगर हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, God is able to comfort us, that His comfort comes directly upon us. तो परमेश्वर हमें तसल्ली दे सकता है, उसकी तसल्ली सीधी हम तक आती है. You know, there is that song. आप जानते हैं गीत है. There is a balm in Gilead. कि गिलाद में वो एक बाम है. Which makes the wounded whole. जिसके कारण जो जख्मी है वो भी अच्छा होता है. There is a balm in Gilead. गिलाद में एक बाम है. That heals the sin-sick soul. जो एक पाप के मारे बीमार प्राण को, आत्मा को चंगाई दे सकता है. So then what do we do now with the brokenness within us? तो हमारे अंदर जो टूटापन है उसके साथ में अभी हम क्या करें? What does the Bible say about this brokenness? बाइबल इस टूटेपन के बारे में क्या कहती है? You know, the Lord says, आप जानते हैं प्रभु ने कहा, He tells us that we are the clay. वो कहता है कि हम तो एक मिट्टी हैं. He is the potter. और वो तो कुम्हार है. Jeremiah chapter 18. यिर्मयाह अध्याय 18 में. Verses 1 unto 3. वचन 1 से लेकर 3 तक. यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 1 से 4. यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा. इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है. जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया. और परमेश्वर कहता है वचन 6 में, देख जैसा मिट्टी, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इसराइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो. That is it.
बस यही है। The Lord is saying, परमेश्वर ये कहता है, If that pot which is in his hand, अगर वो बर्तन जो उसके हाथ में है, has turned out with a kind of a blemish, अगर वो कहीं किसी तरह से बिगड़ जाता है, then he is going to crush that pot again, तो वो उस बर्तन को फिर से कुचल देता है, and make it into mud, और वो उसकी मिट्टी बनाता है, and reshape that pot, और फिर उस बर्तन को फिर से आकार देता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he is sovereign God. क्योंकि वो महान परमेश्वर है। He has us in his hands. उसने हमें अपने हाथों में रखा है। And he wants to make us beautiful. और वो हमें सुंदर बनाना चाहता है। So dear friends, और इसलिए प्यारे दोस्तों, how true it is, ये सच में कितनी महान बात है, that as we walk on this journey of life, ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि जैसे हम इस जीवन की यात्रा में चलते हैं, we will sometimes be hurt, कई बार हमें चोट लगती है, to the point of being broken, यहाँ तक कि हम टूट जाते हैं। But no one likes to be hurt. लेकिन कोई भी चोट खाना पसंद नहीं करता। But when we hurt, how do we respond? लेकिन जब हमें चोट लगती है तो हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं? From a worldly point of view, संसार के दृष्टिकोण से, we will want to hurt back. हम वापस उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। If a brother speaks insultingly toward us, अगर कोई भाई हमारा अपमान करते हुए हमसे बातें करें, suddenly a hand will fly out. तो अचानक हमारा हाथ उठ जाता है, and want to hit him. और हम उसे मारना चाहते हैं। But you know, that this is not what God wants. लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है। It may be a family feud. शायद ये हो सकता है कि ये परिवार का कोई व्यक्ति हो। It may be a financial crisis because of careless planning. शायद हो सकता है कि लापरवाही से योजना करने के कारण आर्थिक संकट आया हो। When we some of us have seen in the movies. और जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है। That A person goes through a lot of planning. कि जो व्यक्ति वो तो बहुत सी योजना बनाता है. Over a long period of time. काफी समय तक वो योजना बनाता है. To get back. कि वो वापस आए. To someone who has hurt them. कि जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई उसका बदला ले. But then as God's children we wonder. लेकिन परमेश्वर की संतान के रूप में हम सोचते हैं. How has God allowed this in my life? कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सब कुछ कैसे होने दिया? But we can see years later. लेकिन कई साल के बाद हम देख सकते हैं. That God God, it was He who allowed us to be broken. कि परमेश्वर ने ही हमें टूटने दिया. It is His pathway of brokenness. ये तो टूटेपन का उसका मार्ग है. His pathway to bring a new meaning in our lives. और ये तो उसका मार्ग है जिसके कारण हमारे जीवन में नया अर्थ आया है. Yes, it hurts to be broken. हाँ, टूटे हुए होने में दर्द होता है. But my dear brothers and sisters, don't give up. लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप हिम्मत मत हारिए. Many of my viewers call me and tell me. मेरे बहुत से दर्शक मुझे फोन करके कहते हैं, How their husbands left them. कि कैसे उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए. The women are left struggling. और स्त्रियों को वहाँ पर कश्मकश में अकेला छोड़ दिया है. To keep the family afloat. कि वो परिवार को चलाते जाएं. Food. खाना दे. Rent. और किराया दे. Children's school fees. बच्चों की स्कूल फीस दे. All this has to be paid. और ये सब कुछ चुकाना पड़ता है. The woman has got no education. और वो स्त्री जो है वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है. She doesn't have a career. उनके पास में कोई करियर नहीं है. She has to find a job that she can do. और उसे ऐसी नौकरी ढूंढनी है जिसे वो कर सकती है. She is broken inside. वो तो अपने भीतर टूट चुकी है. And she is impoverished outside. और वो बाहर से पूरी तरह से गरीबी में डूबी है. But God has allowed this hurt for a purpose. लेकिन परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ में ये दर्द आने दिया है. He will use this hurt. वो इस दर्द का उपयोग करेगा. To build you up. कि आपको उभारते जाए. Psalm 51 and verse 17. भजन से 51 वचन 17 कहता है. The sacrifice of God. ये तो परमेश्वर का बलिदान है. Are a broken spirit. परमेश्वर के लिए टूटी हुई आत्मा ही सबसे बड़ा बलिदान है. Broken and a contrite heart. टूटी हुई आत्मा और टूटा हुआ दिल. Oh God, you will not despise. हे परमेश्वर, तुझे तू इसे तुच्छ नहीं जानता. Your brokenness in Christ. मसीह यीशु में आपका टूटापन. Is like a precious perfume before Him. ये तो परमेश्वर के सामने बहुत ही सुगंध के जैसे है. He watches over you. वो आपकी देखभाल करता है. Like He watches over the sparrow. जैसे कि वो चिड़ियों की देखभाल करता He है. He watches over you. वो आपकी देखभाल करता है. So when we come to God in our brokenness. और इसलिए जब हम अपने टूटेपन में परमेश्वर के पास आते हैं, And we learn to surrender to him in that broken state. और उस टूटी हुई दशा में सीखते हैं कि हम उसको समर्पित हो जाएं. God is able to do great things for us. तो परमेश्वर हमारे लिए महान काम कर सकता है. So don't fight with him. इसलिए उसके साथ मत लड़िए. Don't run away from God. आप परमेश्वर से दूर मत भागिए. Just come to him. आप उसके पास में आइए. And just kneel before him. और उसके सामने घुटने टेकिए. He loves you. वो आपसे प्रेम करता है. He will take care of you. वो आपकी देखभाल करेगा. There is a song which talks about being beautifully broken.
एक ऐसा गीत है जो कहता है कि बहुत ही सुंदर रीति से टूट गए. When God is there, जब परमेश्वर वहां पर है, even the act of your being broken, तो यहां तक कि आपके टूटे जाने की जो क्रिया है, is done in such a beautiful way, वो इतने सुंदर तरीके से की जाएगी, that when we are yielding to God, कि जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं, God is able to do great things for us. तो परमेश्वर हमारे लिए महान काम कर सकता है. There is a song, एक गीत है, which is written by a group called Plum. एक जिसे एक ग्रुप ने लिखा है जिनका नाम है प्लम, Which says, जो ये कहते हैं अबाउट हाउ वी आर ब्यूटिफुली ब्रोकन, कि हम कितने सुंदर तरीके से टूट जाते हैं. जस्ट लाइक अ कप, जैसे कि एक कप होता है मेड ऑफ चाइना, जो कि मिट्टी चीनी मिट्टी का बना है. When it is broken, जब वो टूट जाता है, it can be put together, उसे फिर से जोड़ा जा सकता है. You can put fevistick and stick it together, आप fevistick लगाकर उसे चिपका सकते हैं. And sometimes, लेकिन कई बार, those lines merge as if it's a new design, और वो लाइन इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि मानो उस पर कोई नई डिजाइन हो गई हो. So also God is able to put us back together. इसी तरह से परमेश्वर हमें फिर से जोड़ सकता है. No matter how terrible you may feel, चाहे आप कितना भी भयानक महसूस करें, God has a purpose for you. परमेश्वर के पास आपके लिए उद्देश्य है. Now so often, अब देखिए अक्सर, there is another way that we are broken. एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम टूट जाते हैं. Because we as Christians to struggle to get to what we think is the best for us. क्योंकि हम विश्वासी के नाते जो हमारे लिए सबसे उत्तम हम सोचते हैं उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं. And we make a long list of accomplishments. और हम उपलब्धियों की बहुत बड़ी सूची बना लेते हैं. I know some people who do one degree after another. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक के बाद एक डिग्री करते चले जाते हैं. It takes a whole page to write their degrees. और उनकी डिग्री को लिखने के लिए पूरा एक पन्ना लग जाता है. And when we do these good things sometimes, और कई बार जब हम इन भले बात को करते हैं, and we give it to God, और जब हम परमेश्वर को देते हैं, we think that God is going to be very pleased with what we have done. तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसके द्वारा परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होगा. But you know, God never looks at all our great accomplishments. लेकिन परमेश्वर हमारी सारी महान उपलब्धियों को नहीं देखता. Or he doesn't accept us just because we have accomplished so much. और हमने इतना कुछ हासिल किया इसके कारण वो ऐसे ही हमें स्वीकार नहीं करता. But he accepts us because of what Jesus has done on the cross for us. यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जो किया उसके कारण वो हमें स्वीकार करता है. That is why. और इसीलिए. He instructs us to stop depending upon what we accomplish. वो हमें बताता है कि जो कुछ भी हमने हासिल किया उसके ऊपर आधारित होना हम बंद कर दें. And he asks us to rely upon him. और वो हमसे कहता है कि हम उस पर आधारित रहें. We read about that in the book of Proverbs chapter 3. हम इसके बारे में नीति वचन अध्याय 3 में पढ़ते हैं. Verse 5 and 6. वचन 5 और 6 में. However, ये कुछ भी हो, that's not just for salvation but for every aspect of life. और ये तो केवल उद्धार के लिए ही नहीं है लेकिन जीवन के हर एक बातों के लिए है. He calls us to repent of our sinful habits. वो हमसे वो कहता है कि हम अपने पाप में आदतों के लिए पश्चाताप करें. Reliance upon ourselves. और यानी अपने ऊपर आधारित रहना बंद करें. Our pride. हमारे घमंड को बंद करें. Until we can truly say, जब तक कि हम सच में ये न कह सकें, all that I am, कि मैं जो कुछ भी हूँ, and all that I have, और जो कुछ मेरे पास है, belongs to you, O God, वो परमेश्वर केवल तेरा ही है, that he is in me, कि वो मुझ में है, and I am in him, और मैं उसमें हूँ, and all that is all that matters, और बस यही तो मायने रखता है. What therefore is God taking away from your life right now? इस समय परमेश्वर आपके जीवन से क्या दूर कर रहा है? What do you trust in more than you trust God? आप परमेश्वर से बढ़कर किस बात में भरोसा रखते हैं? I would like you to think about it right now. मैं चाहती हूँ कि अभी इसके बारे में आप सोचिए. God will break your dependence upon anything. परमेश्वर आपकी किसी भी बात के ऊपर आधारित रहने को तोड़ देगा. Other than himself. परमेश्वर के ऊपर आधारित रहना छोड़कर आप जिस बात पर आधारित है परमेश्वर उसे तोड़ देगा. No matter how long it takes. चाहे इसके लिए कितना भी समय क्यों न लगे. Or no matter how difficult the process may be. या फिर ये क्रिया कितनी भी मुश्किल क्यों न हो. He is committed to bringing you to a place of wholeness and spiritual maturity. और वो तो इस बात के लिए समर्पित है कि आपको परिपूर्णता और आत्मिक परिपक्वता में लेकर आए. You know, sometimes it might be something that you cannot live without. कई बार ये कुछ ऐसी बातें होती है जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं. Sometimes it might be a kind of life or luxury that you cannot do without. शायद हो सकता है कई बार ये तो ऐसा जीवन या फिर ऐसे ऐशो आराम की चीज होती है जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. Sometimes it may be someone who you're so infatuated with.
कई बार ये ऐसा होता है कि आप ऐसे किसी एक व्यक्ति के बाद की ओर इतने आकर्षित हो जाते that हैं you do not have a place for God at all. कि आपके पास में भी परमेश्वर के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं it रहती. Could be anything. ये चाहे कुछ भी हो. But if God wants you more than all of that, लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि उन सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर को आप चाहें, and he has a different purpose for you, और उसके पास आपके लिए बिल्कुल अलग उद्देश्य है, he will bring you to himself. तो वो अपने पास आपको लेकर and he will make you conformed to his likeness. और वो आपको अपनी समानता में बदलते चले जाएगा. I'm sure you remember Romans chapter 8 and verse 29. मुझे याद है आपको रोमियो अध्याय 8 वचन 29 अच्छे से याद है. So that he can work through you. कि वो आपके द्वारा काम कर सके. And you can bring others into that spiritual maturity which God has given to you. और आप दूसरे लोगों को उस आत्मिक परिपक्वता में लेकर आए जो परमेश्वर ने आपको दी है. That people will be touched by the testimony that God has created in your life. कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो गवाही बनाई है उसके द्वारा लोग स्पर्श किए जाएं. That also can make you broken. और यही तो आप ये भी आपको टूटापन में ला सकता है. That separation from the thing that you hold most dear to you. जिन बातों को आप अपने लिए बहुत ही प्रिय जानकर अपने पास में रखे हैं उन बातों अलग किया जाना. So maybe you're facing a time of brokenness. शायद हो सकता है कि आप टूटेपन के समय में से जा रहे हैं. And it feels as though the emotional pain is more than what you can bear. और आपको ऐसा लगता है कि भावनात्मक दर्द तो आपके सहने से बाहर है. Some of you may have experienced that. आप में से कुछ लोगों ने इसका अनुभव किया होगा. Or maybe it is dealing with a series of disappointments. या फिर हो सकता है कि ये निरंतर ऐसे निराशा के श्रृंखला से होकर जा रहा है. One after another. एक के बाद एक. One after another. एक के बाद एक आते जा रहा. Hitting you until you are reeling. जो आपको बिल्कुल पूरे नीचे जमीन पर गिरने तक मारते जा totally रहा है. Totally robbing you of your sense of security. और आपकी पूरी सुरक्षा को दूर करते जा रहा है. I know it feels terrible. मैं जानती हूँ कि भयानक महसूस होता है. But instead of being afraid. लेकिन इसके बजाय कि आप डर जाएं. Instead of just giving up. और इसके बजाय कि आप हिम्मत हार जाएं, Come to the Lord. आप प्रभु के पास में आइए and ask him, और उससे पूछिए, Lord, what are you teaching me? प्रभु तू मुझे क्या सिखा रहा है? I know that that is some one most difficult thing to do. मैं जानती हूँ कि ये काम करना तो सबसे मुश्किल है. When things are going totally wrong, जब सब कुछ पूरी तरह से गलत होता that है, we should come away from the impact of it and come to the Lord's feet. कि हमें तो निश्चय उसके प्रभाव से बाहर आना है, प्रभु यीशु के चरणों पर आना है. And come to the Lord and ask him, Lord, what is it that you're teaching me? और प्रभु से यही कहना है कि प्रभु तू मुझे क्या सिखा रहा है? Why is all this happening? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? Surely you have a purpose. निश्चय तेरे पास में उद्देश्य है. You know, Paul faced the same thing. पौलुस इन्हीं बातों का सामना करते रहा. He has written in the second book of Corinthians. उसने कुरिन्थियों की दूसरी किताब में लिखा है. He said, I have implored the Lord three times. और वो कहता है कि मैंने प्रभु से इसके बारे में तीन बार विनती की. That you might take away this thorn from me. कि तू इस कांटे को मुझसे दूर कर दे. But you know what you told me? लेकिन जानते तूने मुझसे क्या कहा? My grace is sufficient. For you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. I know that I have come to the Lord at one point. मैं जानती हूँ मैं एक बार प्रभु के पास में आई हूँ. And I have said, Lord, enough. I cannot handle this anymore. और मैंने कहा प्रभु बहुत हो गया अब मैं इसे सह नहीं सकता. All of these years I cannot handle it anymore. इतने साल तक मैं इसे सहता आई अब मैं सह नहीं पाऊंगा. And all that you said to me was. और प्रभु ने मुझसे बस यही कहा. You did not say to me, Oh yeah, I feel really bad for you. उसने ये नहीं कहा कि ओ हाँ मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा लग रहा है. That is such a terrible thing. ये तो सच में बहुत ही भयानक बात But है. What you told me was, अब जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? I have stood with you. मैं तुम्हारे साथ में खड़ा That रहा. Should have been enough. वो काफी होता है. My presence is greater than your comfort. मेरी उपस्थिति जो है वो तेरी तसल्ली से बढ़कर है. And here God tells Paul, और परमेश्वर से पौलुस यहाँ पर कहा, He says, My grace has been sufficient for पौलुस से परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. He did not help Paul to understand, उसने पौलुस को यहाँ पर इस बात को समझने नहीं दिया. Sorry, he helped Paul to understand. माफ कीजिए, उसने पौलुस को यहाँ पर समझने में मदद की. That it was given to keep him from exalting himself. कि ये इसीलिए दिया गया है कि वो अपने आप को फूलने से बचाए. Because if he did not have that, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता, he would have thought he is the greatest man on earth. तो वो ये सोचता कि वो इस पृथ्वी पर का सबसे महान व्यक्ति है. The Lord also taught the apostle. प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने ये भी सिखाया. That his grace would always be sufficient. कि उसका अनुग्रह उसके लिए हमेशा पर्याप्त होगा. All
always be sufficient हमेशा पर्याप्त होगा for all of Paul's weaknesses पौलुस की सारी कमजोरियों के लिए my dear friends the same is true for you मेरे प्यारे दोस्तों यही बात आपके लिए भी सही है whenever you experience brokenness जब भी आप टूटेपन का अनुभव करते हैं God's grace can sustain and nurture you परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचा कर रख सकता है आपका पोषण कर सकता है he will show you how to relinquish your reliance वो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने उसके ऊपर आधारित रहने को देख सकते हैं on all the things that you can do आप जो कुछ भी कर सकते हैं उन सारी बातों के लिए परमेश्वर पर आधारित रहें he shows us और वो हमें दिखाता है how wonderful कि कितना अद्भुत है is the provision वो प्रयोजन that he has जो परमेश्वर ने रखा for है us हमारे लिए and in that way और उस तरह से we will grow in the likeness of Jesus हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाते and हैं we get prepared for his service और हम उसकी सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं what a wonderful savior ये कितना अद्भुत उद्धारक है Peter wrote पत्रस ने लिखा beloved प्रियो do not be surprised at the fiery ordeal among you तुम्हारे मध्य में जो आग है और जो दूसरी बातें हैं उनके कारण तुम चौक नहीं जाना which comes upon you for your testing जो तुम्हारी परखे जाने के लिए तुम पर आती है as though something strange were happening to you जैसे कि मानो तुम्हारे साथ में कुछ अजीब सी बातें हो रही है but to the degree that you share in the suffering of Christ लेकिन जिस हद तक या जितनी ज्यादा तुम मसीह के साथ में दुख उठाते चले जाओगे keep on rejoicing तो आनंद मनाते चले जाओ so that इसलिए also at the revelation of his glory कि उसके महिमा के प्रकाशन में you may rejoice with exaltation तुम निश्चय ही आनंद के साथ में ऊंचे उठाए जाओ you can look this up in 1 Peter chapter 4 आप पहला पत्रस अध्याय 4 में से देख सकते हैं these verses are very important for us for this day इन दिनों में ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है because Great hardships may come upon us. क्योंकि हो सकता है कि हम पर बहुत सी मुश्किलें आ जाएं. For those who will stand on our faith. और उन लोगों के लिए जो कि अपने विश्वास में खड़े रहते हैं. But remember, God is with you. लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके साथ में है. He will be with you in your brokenness. वो आपके टूटेपन में आपके साथ में होगा. Keep in mind that God uses brokenness to deepen your understanding. याद रखिए परमेश्वर आपके टूटेपन का उपयोग करता है कि आपकी समझ को और भी गहरी करते जाए. In at least three ways. और वो कम से कम तीन तरीके Very quickly, I will go through this. मैं बहुत ही जल्दी आपको ये बताती हूँ. You gain a new perspective of His mercy. आप उसकी दया के बारे में नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं. And you gain a new perspective of His provision and dependence upon Him. आप उसके प्रयोजन और उस पर आधारित होने के लिए नए दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं. Secondly, दूसरी बात. You develop a more complete understanding of who you are. आप कौन हैं इसके बारे में आप पूरी परिपूर्णता की समझ पाते हैं. Which is very important. जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण Thirdly, तीसरी बात your compassion and understanding for other people in the same position grows. उसी दशा में जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए आपकी जो करुणा है उस वो तो बढ़ती चली जाती है So are you facing seasons of trial? तो क्या आप परीक्षाओं के समय का सामना कर रहे Then हैं? Embrace the promise which is given in the book of Jeremiah 15. तो यिर्मयाह 15 में जो प्रतिज्ञा दी है आप उसे ले लीजिए. That you trust in God and learn from Him through your trial. कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर से सीखते चले जाएं. He will reveal Himself to you and work through you. In wonderful ways. वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा और आपके द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से वो काम करते जाएगा. This is what Paul has called as a living sacrifice. और इसी को तो पौलुस जीवित बलिदान कहता है. God has got one goal in mind for you. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बस एक ही लक्ष्य है. Spiritual victory. वो है आत्मिक विजय. He moves everything for your victory. वो आपकी विजय के लिए सब कुछ हिला कर रख देता है. Shall we just pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father, we thank you so much. पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं that you're a God who goes before us. कि तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलता you है fight every battle for us. कि तू हमारे लिए हर एक युद्ध लड़ता है When we are broken, जब हम टूट जाते हैं you pick up those pieces. तो उन टुकड़ों को तू उठाता है Beautiful way. और बहुत ही सुंदर तरीके से you put us all back together. तो हमें वापस एक साथ जोड़ देता है And this time when you put us back together, और इस समय जब तू हमें एक साथ जोड़ देता है this vessel तो ये पात्र is gonna be a vessel which will serve you. ये ऐसा पात्र होगा जो तेरी सेवा करेगा You are an awesome God. तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर And we worship you. और हम तेरी आराधना करते हैं In Jesus name. यीशु के नाम में Amen. आमेन